सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, आज की गोरी वीडियो आपका स्वागत है। तो लास्ट वीडियो भाई आपने ऑडी ओनरशिप रिव्यू पे देखी होगी, तो अब भाई आपके लिए बीएम लेके आया हूँ। तो ये है भाई अपने पास 2019 मॉडल 520D, तो डीजल वेरिएंट है भाई ये। और एक बार आप इसकी लुक चेक कर लो, ये एक भाई इसकी फ्रंट प्रोफाइल हो गई, ये साइड जो जो काम इसमें भाई डिसेंट मॉडिफिकेशन रखी वो सारी आपको बताऊंगा। पहले एक बार ओवरव्यू रिव्यू चेक कर लो। नंबर ये नहीं है भाई, ये सिर्फ वैसे ही लगा रखा है लुक के लिए। और ये इसकी साइड प्रोफाइल हो गई। तो गाड़ी का वॉक अराउंड भाई आपने देख लिया, तो अब फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो भाई आपका क्वेश्चन है DRL के कलर, तो भाई ये हमें कुछ टेस्ट कर रहे थे इसके कलर चेंज करा के, कौन सा कलर कराना चाहिए। तो हमने ये ब्लूइश करवाया था भाई ये गाड़ी से मैच करने के लिए। तो आप कमेंट करके बताना भाई इनको व्हाइट रखवाएं या फिर इनको कलर वाला करा दें। तो ये देख लो, एक वाइट एक ब्लूइश मान लो, पर्पलिश मान लो, तो उसका मिक्सचर सा है भाई। फिर भाई फ्रंट से शुरू करते हैं। तो जो इसकी ग्रिल है भाई ये हमने चेंज करवा रखी है, एम स्पोर्ट्स वाली, ये ऐसी नहीं आती है कंपनी से। और ये है भाई ये एयर फ्लो के लिए खुल जाती है, जैसे आपकी गाड़ी थोड़ी टेम्परेचर पे गर्म होगी या चलानी शुरू करोगे तो इसमें पूरी खुल के पूरा एयर फ्लो बढ़ जाता है। अगर अभी खुलेगी तो मैं आपको दिखा भी दूंगा। फिर भाई पूरी गाड़ी पे इस पे PPF रखी है, तो ये चेक कर लो आप बिल्कुल भाई ग्लोस ऐसे कैसे रहते हैं, सिर्फ आपको एक वॉश करने की जरूरत है। तो ये मस्ट होती है भाई इतनी लग्जरी गाड़ी, इसके ना जैसे आप दिल्ली में चला रहे हो तो भाई स्क्रैचेस लग रहे हैं ना, बहुत आम सी बात है क्योंकि लोग आके देखते हैं कैसी गाड़ी क्या है, और कहीं से बाइक से लग जाए तो फिर भाई बहुत दिक्कत देता है। लोकल पेंट आप करा नहीं सकते, कंपनी में बहुत मोटे खर्चे आते हैं इनमें। फिर भाई आपको 18 इंच का यहाँ पे टायर मिल जाता है। इसकी टायर प्रोफाइल है 245/45R18, तो 18 इंच का इसमें टायर मिलता है और मिशलिन के टायर डलवा के। फिर भाई जो इसके अलॉयज़ है ये इस कलर में नहीं आते कंपनी से, इसके वाइटिश कलर में आते थोड़े क्रीम से, ये हमने इसके गन मेटल ग्रे में करवा रखे। तो कमेंट करके बताना आपको कैसे लगे। चारों टायर कर रखे, अभी थोड़े गंदे हो रखे भाई बारिश की वजह से, बाकी बताना मैच कर रहे नहीं कर रहे, अच्छे लगे लगे। फिर भाई यहाँ पे इसमें एक लिप स्पॉइलर लगवा रखा है, ये भी नहीं आता है, ये स्टॉक नहीं है, ये भी आफ्टर मार्केट है। और ऐसे कुछ इसके भाई पीछे की लुक आ रही है। फिर भाई ये साइड से चेक कर लो, सारी गाड़ी भाई ब्लैकआउट हो रखी है। एक ये सिर्फ वीडियो के लिए, बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, तो ये मत कराना। और रिएक्शन आप देख सकते हो। तो भाई ये बाहर से सारा ऑलमोस्ट कवर हो गया है, तो ये देख लो भाई ऐसा कुछ आपको इसका भाई सारा कॉकपिट मिलता है, इंटीरियर बोल लो कॉकपिट बोल लो, कॉकपिट ही है भाई एक तरीके का। तो जितने भाई कवर हो पाएंगे ना, मेरे को जितने याद है वो सारे मैं बताने की कोशिश करूंगा, कुछ ना कुछ तो स्किप हो ही जाएगा भाई। यहाँ पे आपको इसका स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है, एक बार स्टार्ट कर देगा। और भाई स्टीयरिंग इसका जैसे आपका सेट है उस पर अपने आप आ जाएगा, और बंद करोगे तो स्टीयरिंग ऊपर चला जाएगा, तो आपके उतरने और आने में आपको परेशानी ना हो। स्टार्ट स्टॉप का मिल जाता है आपको बटन, यहाँ पे इसको ऑफ कर देते हैं, एसी ऑन है। फिर भाई इसकी स्क्रीन देख लो, अराउंड 10 इंचेस की स्क्रीन मिलती है, और ये टच है, पूरी टच स्क्रीन है। स्क्रीन की बात कर रहे हैं तो भाई सबसे पहले स्क्रीन के फंक्शंस की बात कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पे पार्किंग का बटन मिल जाता है, आप जैसे इसको प्रेस करोगे तो ये देख लो पूरा कैमरा आ जाएगा। और फिर इसमें जेस्चर्स भी हैं भाई, अब ये देखना ये आपकी गाड़ी बनी आ गई, आप इसको जैसे मोड़ना चाहो मोड़ सकते हो। ये देख लो सामने ऑडी खड़ी है, इसमें भी ऑडी शो हो रही है, और ये बच्चे भी देख लो साइड में खड़े हैं, इसमें भी आ रही है। तो फीचर्स तो भाई बहुत सारे, कलर भाई यही आएगा कंपनी के सिल्वर में, अगर आप बाहर से भी 360 लगाते हो तो यही कलर आएगा, गाड़ी का ओरिजिनल कलर नहीं आ पाता भाई। और फिर भाई इसमें एम्बियंट लाइट भी इससे कनेक्टेड है, अरे एक सेकेंड अब ये भी हो ही गया, तो ये भी दिखाई देता हूँ। तो जैसे ही गाना ना भाई आप इसको देखो आवाज़ कम ज़्यादा कर सकते हो। तो इसी वजह से भाई 5 सीरीज बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी उस टाइम पे, क्योंकि इसमें हैंड जेस्चर्स पहली बार आए थे और किसी गाड़ी में नहीं था। ऑटो पार्क भी आपको मिल जाता, जो एंडेवर मिलता है ना भाई ये खुद पार्क कर लेती है, सिर्फ आपको रेस और ब्रेक देनी पड़ती है, गाड़ी अपने आप पार्क हो जाएगी अपनी स्पेस ढूंढने के बाद। फिर भाई एम्बिएंट लाइट देख लो, इसके कलर चेंज होते हैं, कंपनी से स्टॉक है, ये स्क्रीन में मिल जाएगा आपको। साथ ही साथ आपको टच भी दिखा देता हूँ, जैसे आप व्हीकल में जाओगे, व्हीकल सेटिंग्स, लाइट्स, और ये इंटीरियर लाइटिंग, इसमें आप कलर अपनी पसंद का सेट कर सकते हो, जैसे ब्लू पर्पल कर लो। अभी सारी गाड़ियाँ भाई रात को ऐसे दिखता है, देख लो अभी धूप की वजह से इतना क्लियर आ नहीं पा रहा है, मैं कर्टेन लगा देता हूँ। बाकी भाई यहाँ पे थोड़ी बहुत दिख रही होगी आपको लाइट, और अब थोड़ी दिखेगी आपको, ये देखो यहाँ सारे में लाइट है, यहाँ देख लो यहाँ दिख रही है। तो रात को भाई बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगती है। फिर भाई सारे इसका एसी कंट्रोल यहाँ मिल जाता है, क्लाइमेट कंट्रोल, ड्यूअल जोन है भाई, सिंक करोगे तो एक साइड से ऑपरेट होगा वरना अलग अलग बिल्कुल चला सकते हो। पीछे भी मिलता है आपको अलग से क्लाइमेट कंट्रोल, तो तीन क्लाइमेट कंट्रोल होगा इसमें। फिर भाई वॉल्यूम यहाँ से भी हो सकती है, यहाँ से भी हो सकती है, यहाँ क्रूज कंट्रोल मिल गया आपको, यहाँ इसके मोड्स मिल गए चेंज करने हैं जो भी करना है। फिर भाई
ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ का बटन यहाँ पे मिल जाता है आपको। उसके बाद ये मोड्स हैं भाई, तो जैसे आप इसको स्पोर्ट्स मोड में डालोगे मीटर चेंज हो जाएगा, देखो रेड आ गया। फिर भाई इको प्रो में इसमें थोड़ी सी एवरेज बढ़ जाती है गाड़ी की, परफॉर्मेंस कम हो जाती है, ये आपकी होगी मतलब प्लस 0.1 किलोमीटर बढ़ गया है। जैसे आप इसको ढंग से चलाओगे तो 1 किलोमीटर भी बढ़ जाती है, उतने ही पेट्रोल में डीजल में इतनी ज़्यादा चलेगी है, इसका मतलब ये है। फिर भाई यहाँ पे कंफर्ट हो गया जो नॉर्मल सिटी ड्रिवन होता है, और जैसे अभी ये ऊपर के लाइट रखे हैं तो आपको दिख रहा होगा, एक सेकंड ये देखो नीचे 0-20 पे लाइट ज़्यादा है, ऊपर कम है। तो जैसे आप स्पीड बढ़ाओगे 40 पे आएगी तो 40 लाइट हो जाएगा, 60 लाइट हो जाएगा, ऐसे होता है। तो भाई ये काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। फिर भाई गियर नोब आपको सारी बीएम में सेम मिलेगा, और ये थोड़ा पीस का फेड हो गया था तो भाई ये हमने ये भी ऑर्डर कर दिया है, तो गाड़ियों की केयर करा करो भाई। ये देख लो ये भी अभी आया ही है, फोकस कर ले, फोकस कर मेरा भाई, ये देखो ये रहा। तो अभी ये भी लगवाना है। तो भाई ये छोटी मोटी चीज़ें होती हैं गाड़ी को ना अच्छा लगाती है, आपकी गाड़ी वेल मेंटेन रहेगी आगे तक साथ देगी, तो ये सब आपको भी करना चाहिए। फिर भाई पूरा टैन इंटीरियर आपको मिल जाता है, ये देखो ये भी काफ़ी प्रीमियम लग रहा है भाई। बी एम इसकी छत और ब्लैक दे देती ना तो वो तो छिड़वाने की जरूरत नहीं है भाई, पर फिर भी ब्लैक ज़्यादा अच्छा लगता। और सनरूफ भाई आपकी सिंगल प्रेस कर्टेन हाथ से नहीं खुलता, ये भी बटन से ही खुलेगा, ये आपका एक प्रेस में कर्टेन खुल गया। रात को भाई यहाँ से भी एम्बिएंट लाइट आती है, देखो मेरी ना फिंगर्स पर दिख रही होगी आपको, और फिर अगर आप इसको दबाओगे तो टिल्ट हो जाएगी, फिर पीछे करोगे तो पीछे एक सिंगल टैप में खुल भी जाएगी, ये देख लो। तो काफ़ी चौड़ी है भाई सनरूफ, ऐसे नहीं दो बंदे आराम से निकल सकते, निकलना चाहे तो सिंगल टैप में बंद भी हो जाएगी। फिर आपको यहाँ पे वैनिटी मिल जाती है, उस साइड वैनिटी मिल जाती है, और ऐसा भाई इसका पूरा कुछ कंप्लीट इंटीरियर। तो आई होप भाई मैंने इसका सब कुछ कवर कर दिया है, पर अभी भी मेरे को पता है कुछ ना कुछ तो स्किप हो गया होगा। बाकी भाई अगर जैसे आप इसको डी में डालोगे और सीधा पी दबाओगे, ये अपने आप पी में पहुंच जाएगी गाड़ी। फिर भाई रिवर्स कैमरा भी देख लो, वही सेम है जो अभी दिखाया था, देखो रिक्शा जा रही है सब दिखता है। तो भाई बिल्कुल क्लियर HD कैमरा है, रात को भी रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया है भाई। और जेस्चर्स मैंने एक और चीज़ दिखानी भूल गया, जैसे आप मीडिया में जाओगे तो इसमें आप भाई आपको फिंगर्स पॉइंट करके यूँ करनी है, देखो तो ये चैनल चेंज होता चला जाएगा। तो ये भी भाई बढ़िया है, तो BM ने कोई कमी नहीं छोड़ी हुई भाई इसमें आपको लग्जरी फील कराने की। तो कहीं भी देख लो वहीं पे भाई आपको इसमें लग्जरी है। हरमन गार्डन का इसमें म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है भाई, उसका आउटपुट एक नंबर है, मेरे पास दूसरा फोन नहीं है ना आपको सुना देता। DSP मिलता है भाई, सराउंड साउंड आपको सुनने को मिलेगी, और अब थोड़ी लाइट वहाँ भी दिख रही है देख लो। तो रात को काफ़ी प्रीमियम लगती है भाई, और हीटेड हमेशा मिरर मिल जाते हैं, तो जैसे ही रेनी डेज आते हैं तो बारिश में ना फॉग जम जाती है, वो कुछ भी नहीं होगा, आप वो बिल्कुल हटा सकते हो। यहाँ से इसका ये हो गया, ये कर्टेन का हो गया भाई, देखो पीछे इनका कर्टेन भी बटन दबाते ही नीचे जाएगा, और दोबारा ये बटन प्रेस करोगे ये ऊपर आ जाएगा। तो भाई फीचर्स तो अपनी तरफ से सारे हैं, ये सब आपके जो साइड के आपको मैनुअली करने पड़ेंगे, बाकी वो बटन से कंट्रोलेबल है। फिर ये आपका कर्टेन ऐसे गया, ऐसे वापस आ गया, उसके बाद यहाँ से भाई आपके मिरर कंट्रोल हो जाते हैं, और आपको भाई स्टीरियो कंट्रोल करने के लिए रिमोट मिलता है, रिमोट घर पे रखा है मैं, लाना भूल गया, तो आप उससे भी इसको सारा कंट्रोल कर सकते हो, जैसे रोल्स रॉयस में आता है ना भाई पीछे से बैठ के आप इसका सारा स्टीरियो कंट्रोल कर सकते हो रिमोट से। और भाई इसकी स्पीड वगैरह भी लॉक हो जाती है कि आप कितना चाहते हो गाड़ी की स्पीड कितनी क्या जाए, तो आप वो सारी चीज़ें कर सकते हो। स्क्रीन भाई आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो, तो कोई भी ऐसे वो नहीं छोड़ी हुई है। पर भाई अगर आपकी जैसे स्क्रीन में दिक्कत आ जाए, अगर आपकी इंफोटेनमेंट में आ गई, जैसे मेरे पास इससे पहले 3 सीरीज थे, तो भाई उसका वो इंफोटेनमेंट सिस्टम लाख रुपए के आसपास था इसकी स्क्रीन, तो बाहर से भाई इनकी मिल जाती सस्ती, पर अगर आप कंपनी से ओरिजिनल BM की स्क्रीन लगाओगे तो इसकी मेरे ख्याल 1.5 लाख के आसपास होगी, उसकी लाख रुपए की आई थी भाई। तो इन चीज़ों का आपको बहुत ख्याल रखना पड़ता है। बाकी भाई BM के इलेक्ट्रॉनिक्स में इतनी जल्दी कोई इशू नहीं आता ऑडी के मुकाबले, इसके ज़्यादा रिलायबल है, और प्रीमियमनेस की तो कोई बात ही नहीं है भाई। तो कमेंट करके बताना आपको गाड़ी का इंटीरियर कैसे लगा। आई होप मैंने सब कुछ कवर कर दिया है, और ये भी एक बार आप देख लो इसका ग्लोव बॉक्स, इसमें थोड़ा सामान रखा भी, डिसेंट स्पेस मिल जाती है भाई, और ये इसका ऐसे हो गया, और चाबी भाई मैं चार्ज पे लगाना ही भूल गया। तो इससे भाई आप गाड़ी आगे पीछे कर सकते हो, तो ये कभी और दिखाऊंगा भाई, इस पर एक मैं अलग वीडियो बना दूंगा, ये अभी मैं बात करने के चक्कर में चार्ज पे नहीं लगाई। तो इससे आप आगे पीछे कर सकते हो अपनी गाड़ी को खड़ी हुई नॉर्मल में, इसमें स्क्रीन आ जाती है गाड़ी बने आ गया, आपको फ्रंट दबाओगे तो आगे जाएगी, बैक दबाओगे तो पीछे आएगी, तो एक ये भी अच्छा फीचर है, इसको कंफर्ट पे है ये। ओके अब इसको बंद करके बाहर से वो दिखा देता हूँ, तो एक बार और लास्ट बाहर से वो लुक चेक कर लो, और कमेंट करके बताना भाई आपको गाड़ी कैसी लगी, और कुछ स्किप हो गया होगा तो भाई वो कभी और कवर करूँगा, कमेंट करके बताना। आई होप मैंने सब कुछ कवर कर दिया है, तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना, और ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। अगली वीडियो आएगी भाई ऑडी और BM के कंपैरिजन की, तो वो भी देखने के लिए स्टे ट्यून्ड। टिल देन मिलते हैं, बाय।